मशावर्ती काउंसिल के सदस्य मोहम्मद आसिम खान ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि काउंसिल की हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करती हैं तो साफ सुथरे पार्टियों से गठबंधन करें और मुसलमानों का विशेष ध्यान रखें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काउंसिल के सदस्य मोहम्मद आसिम खान ने बताया, मैं मोहम्मद आसिम खान, सदस्य मशावर्ती समिति मशावर्ती काउंसिल। 1 दिसंबर 2018 को मशावर्ती काउंसिल की एक मीटिंग रुदौली में, फैदाबाद नया अयोध्या जिले में, पूर्व MLA रुशदी साहब के मकान पे हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद आदम खान साहब पूर्व मंत्री ने किया था। ये मीटिंग 5 घंटे 6 घंटे तक चली और 5-6 घंटे चलने के बाद इसमें जो बातचीत हुई वो ये हुई कि यह तय पाया गया कि सभी राजनीतिक पार्टियों से धार्मिक, मसलकी और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर तय किया कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अमन अमान के बचाना चाहिए और इसके लिए सेकुलर अर्ध सेकुलर ताकतों को, जैसा कि देश के में माहौल बन रहा है, इकट्ठा होकर सभी को बवकार मर्यादित तरीके से साथ लेकर मानवीय मूल्यों को पामाल करने वाले, मजहबी धार्मिक मूल्यों को रोनने वाले वालों के विरुद्ध लामबंद हो जाना चाहिए। लिहाजा निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर इत्तफाक राय हुई और यह फैसला हुआ कि 16 दिसंबर को मेरठ में एक नई इजलास रखी जाएगी, जहां पे फिर एक मीटिंग होगी सारे मेंबरान की। इस इजलास में सर्वसम्मत से 3 फैसले लिए गए, 3 प्रस्ताव पारित किए गए। वो 3 प्रस्ताव, नंबर 1, जब और गठबंधन या महागठबंधन की मीटिंग हो तो साफ सुथरी छवि के मुसलमान या मुसलमानों का मशवरे में शामिल किया जाए, यानी जो भी गठबंधन बने उसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। नंबर 2, गठबंधन या महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी के समय काबिले एतमाद मुस्लिम लीडरान व मशावर्ती काउंसिल का मशवरा भी ध्यान में रखा जाए। जो भी दूसरा है कि जो भी घोषणा पत्र बने उसके अंदर मशावर्ती काउंसिल के भी लोगों को रखा जाए और मुसलमानों को भी रखा जाए घोषणा पत्र बनाते समय। नंबर 3 है कि होने वाले गठबंधन या महागठबंधन को न केवल इस बात का ध्यान रखना होगा, बल्कि ज़रूरी होगा कि किसी भी चापलूस, मुल्क दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन व कमज़ोर चरित्र, बेईमान, बदनाम व्यक्ति को टिकट न दिया जाए। बिना वजह शोहरत हासिल करने के लिए मुसलमान और उनके अकीदे की तजलील करने वालों को किसी भी सूरत में टिकट देने का फैसला न दिया जाए। अगर किसी मसलहत की बिना पर इस तरह के लोगों को, जिनकी समाज में बुरी छवि है, टिकट दिया गया तो मशावर्ती काउंसिल बगैर किसी मफाद के मद्देनज़र रखते हुए, साथ ही जमाती तिकड़मबाजी से ऊपर उठकर उम्मीदवारों का खुलकर विरोध करेगी।